बात दिल्ली की हो रही है तो मैं एक आखिरी सवाल उस पर लूँगा कि कुमार विश्वास जी के साथ आपने कई बार आप रहे हैं, आपको काफ़ी मानते हैं वो, कई बार हमने देखा है मंच पर आपके पैर छूते हैं, हमेशा उन्होंने बहुत मान किया ईमानदारी। तो क्या लगता है कि कुमार विश्वास जी ने जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, पुराने साथी रहे हैं उनके, तो जितना आप कुमार विश्वास को जानते हैं क्या लगता है कितना सच बोल रहे हैं? ये झूठ भी नहीं हो सकता। झूठ नहीं हो सकता, मतलब अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? एक तो इसलिए कि कुमार विश्वास से उनकी दांत काटी दोस्ती थी, बहुत करीबी दोस्ती थी, और कुमार विश्वास के साथ अरविंद केजरीवाल का सलूक अच्छा नहीं था। टाउन हॉल के मुशायरे में हमने भी उनसे ये बात कही थी, क्योंकि केजरीवाल थे, सामने बैठे हुए थे, हम पढ़ रहे थे, हमने कहा कि राज्यसभा में कुमार विश्वास को भेजना चाहिए, कम से कम एक बोलता हुआ आदमी वहाँ हो जिसमें हिम्मत हो। हालांकि जो शख्स है मुझे मालूम नहीं, एक आदमी जा सकता है या दो या चार, आई डोंट नो। हालांकि आई लाइक संजय सिंह जितनी ईमानदारी और जितनी हिम्मत और जितने बगावती लहजे में राज्यसभा में बोलते हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैंने ये उनसे कहा था कि आप कुमार विश्वास को आप भेजिए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। तो ये लड़ाई अपनी जगह होगी सियासत की, लेकिन अगर सियासत ही में अगर कुमार विश्वास का, देखिए शायर का दिल सियासत में लगता नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो लग सकता है जैसे मज़ा आने के लिए, तो लेकिन ये कि बहुत देर तक वो मेरा एक शेर है कि क्या करूं मैं, मेरा यकसुई में दिल दुखता है, मैं बहुत देर गवर्नर भी नहीं रह सकता। तो हम सोचते हैं कि अगर हम मुझे गवर्नर भी बना दिया जाए तो शायद 2-4-6 महीने से ज़्यादा हम रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि जो सूरत हाल होती है उसको हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अगर कुमार विश्वास को सियासत ही से दिलचस्पी होती तो ये 3-4 साल पहले ही भाजपा कांग्रेस कहीं भी जा सकते थे। तो इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन वही दोस्ती में बहुत सी बातें, अब उनको उनकी बुरी बात है कि दोस्त की बात अगर कोई है तो उसको भूल जाना चाहिए कि मैं मुमकिन है मजाकी में कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन सत्ता के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस की सरकार को गिराने में और भाजपा की सरकार लाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं केजरीवाल। ये जो अन्ना तमाशा जो पूरा सब था तो सब इन्हीं की मिली जुली सरकार थी। ये और बात है कि इन्होंने फिर बाद में भाजपा को भी धोखा दे दिया, ऐलान तो यही करते रहे कि मैं राजनीति में नहीं आने वाला हूँ, ये तो आपको भी याद होगा। तो माफ़ कीजिएगा कि कुमार विश्वास ज़बान बहुत सोच समझ के खोलते हैं, हालांकि मेरे ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं हैं आजकल, ताल्लुकात के वो मुझसे नाराज़ हैं किसी बात पर, आई डोंट नो, मैं ऐसी कोई बात बोल गया मैंने बोल दी होगी, लेकिन यही है कि वो सियासत वाला मामला नहीं है। ये बात है दोस्ती में कहा हो, अजरा है मजाक की बात कही हो, तफरी में ये बात कही हो कि अगर हमको ये नहीं मिलेगा तो हम यूँ कर देंगे, ये कोई भी कहता, हम भी कह सकते हैं मेरा कोई दोस्त हो। लेकिन मुनव्वर कभी देश तोड़ने की बात तो नहीं करेंगे? देखिए ये देश तोड़ना तो एक मुहावरा हो गया, ये ऐसा कोई देश वेश की बात नहीं है, लेकिन ये जो जितना बड़ा इल्ज़ाम इसको बनाया जा रहा है उतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं है।